What if I told you कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था? I'm just kidding. What if I told you कि इंडिया में कुल 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग पोटेंशियल एक्स मुस्लिम्स हो सकते हैं? पाकिस्तान के एक मौलाना की माने तो पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम्स की संख्या 10 लाख तक पहुंच चुकी है। इस्लाम के बर्थ प्लेस सऊदी अरेबिया में कुछ सर्वेस दिखाते हैं कि 5 से 13% तक लोग या तो इस्लाम छोड़ चुके हैं या उस पर सीरियस डाउट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी एक्स मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको तो पता ही है इस्लाम में अकल का दखल मना है, जो कहा जाए चुपचाप से सुन लीजिए। तो ये हो क्या रहा? इंडिया जहां मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म इतना हाई माना जाता है, वहां ऐसा ट्रेंड कैसे डेवलप हो रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या ये ट्रेंड और भी बड़ा हो सकता है? क्या बाकी इंडियंस को भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट देना चाहिए? आइए इन सवालों को आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक शकील प्रणाम। आपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सुना होगा, एक्स हस्बैंड के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक्स मुस्लिम के बारे में सुना है? एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक ऐसा सोशल मूवमेंट है जहां कई लोग साथ में मिलकर इस्लाम को छोड़ रहे हैं। और इस्लाम को छोड़ने के पीछे आप विश्वास नहीं करेंगे, कई इंटरेस्टिंग और कुछ शॉकिंग रीजंस भी हैं, जिसके बारे में हम एक मिनट में बात करेंगे। लेकिन देखिए, वेस्ट वाले जो हैं वो सिर्फ लोगों का रिलीजन ही नहीं छुड़वा रहे, लोगों की नौकरियां भी छुड़वा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में AI टूल्स काफी तेजी से डेवलप हुए हैं वेस्टर्न देशों में, जैसे ChatGPT, DALL-E, और इन टूल्स के बहुत सारे एडवांटेजेस तो हैं ही, लेकिन कुछ डाउनसाइड्स भी हैं कि लोगों की नौकरियों पर खतरा आ गया है। आप खुद ले ऑफ वर्ड गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि मास ले ऑफ का सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऑब्वियसली दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंस्टाग्राम पर बकचोदी करना और अपना टाइम वेस्ट करना। आज के दौर में जो अपडेटेड और करंट टेक्नोलॉजी में स्किल्ड हैं, मार्केट उन्हीं का इंतजार कर रहा है, चाहे आप टेक रोल्स में हो या नॉन टेक रोल्स में हो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, फ्रीलांसर हो या फाउंडर ही क्यों ना हो। अब मैंने आपको डरा तो दिया, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके CEO आपकी नौकरी की चिंता करते हैं। इसीलिए तो आपको हेल्प करने के लिए ग्रोथ स्कूल की 3 घंटे की एक फ्री स्पेशल ChatGPT और AI वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज की है। ये वर्कशॉप जनरली पेड होती है, लेकिन श्याम शर्मा शो के पहले 1000 रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यूअर्स के लिए ये वर्कशॉप कंप्लीटली फ्री है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगेन, आप इसमें चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, आप इन वर्कशॉप्स में जो स्किल्स सीखेंगे उनकी मदद से अपने करियर में ना सिर्फ और सिक्योर हो सकते हैं, बल्कि अपने करियर को एक बड़ा बूस्ट भी दे सकते हैं और अपनी अर्निंग पोटेंशियल को भी एक बूस्ट दे सकते हैं। चाहे आपको जॉब हंटिंग स्किल्स सीखनी हो, चाहे आपको एक्सेल स्किल्स सीखनी हो, पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी हो, डेटा एनालिसिस सीखना हो, या सोशल मीडिया पे और क्रिंज कैसे बनते हैं ये सीखना हो, मैंने खुद ये वर्कशॉप अटेंड की है एंड मुझे पर्सनली ये वर्कशॉप बहुत यूजफुल लगी। आई विल गिव इट अ 5 out of 5 सेक्युलर प्रणाम रेटिंग। ऑलरेडी 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है और अपने अर्निंग पोटेंशियल को और अपने जॉब पोटेंशियल को और भी इंक्रीज किया है। तो डोंट वेट, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें और याद रखें कि सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए ये इनवैल्यूएबल वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। तो अपना स्लॉट आज ही बुक करें। अब आइए बैक टू द वीडियो। पहले जरा एक्स मुस्लिम मूवमेंट की बात करते हैं। मुस्लिम यूथ आर लीविंग इस्लाम। इस मूवमेंट की पब्लिक शुरुआत वेस्ट में होती है, क्योंकि वेस्ट में मुस्लिम बैकग्राउंड के लोग थोड़ा और आजाद फील करते थे अपने रिलीजन को ओपनली एग्जामिन करने में। 2007 में जर्मनी में पहली एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ एक्स मुस्लिम्स की स्थापना होती है। इसके बाद 2013 में एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जो ऑसम विदाउट अल्लाह नाम का कैंपेन लॉन्च करती है। देखते ही देखते ये मूवमेंट वेस्टर्न देशों में काफी तेजी से फैलने लगती है। कई वेस्टर्न देशों में इस तरह के एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप किए जाते हैं। For so many years now, I'd heard whispers that there was a secret network of ex-Muslims living in Australia. Some of the people you're about to meet can't use their real names or show their faces. फ्रांस में काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम्स ऑफ फ्रांस है, मोरक्को, स्कॉटलैंड, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, ईरान जैसे देशों में भी सीक्रेट एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो रहे हैं। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, इंडिया के केरला में भी सबसे पहला ऑफिशियल एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। इनफैक्ट 9 जनवरी को केरला में एक्स मुस्लिम डे भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इंटरनेट एक्सेस के कारण आज दुनिया के कोने कोने से एक्स मुस्लिम्स एक दूसरे के साथ जुड़ भी रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करके ओपनली अपनी बिलीफ्स को चैलेंज भी कर रहे हैं। इज द क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड हिज टीम्स। उन्होंने सत्ता को हासिल करना था तो अपनी बुक लिख डाली, उनको राज करना था वहां तो उन्होंने कुरान बना डाला। लेकिन उससे नुकसान जो ह्यूमनिटी को हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी है कि मुसलमान सच बोलना ही छोड़ दिया है।
इस कुरान के ईमान के पीछे। साइंस और कुरान बहुत एक दूसरे के अपोजिट है, जस्ट लाइक नॉर्थ एंड साउथ ना, दोनों को एक साथ लाना नियरली इम्पॉसिबल है। आपको तो पता ही है इस्लाम में अकल का दखल मना है, जो कहा जाए चुपचाप से सुन लीजिए। सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा है और कुछ नहीं। मुसलमान बनाने की, सबको मुसलमान बनाने की चुन यही दर्शाती है कि बाड़े में जो है भेड़ों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। बिना दिमाग की भेड़ें एक तरफ हकाओ सारी उसी तरफ चली जाती है, जिसका जिन लोगों को कुछ भी नहीं सोचना समझना है, आगे वाली भेड़ जिस तरफ जा रही है सारी हजार की हजार भेड़ भी उसी तरफ चली जाएंगी बिना ये सोचे कि वो क्यों उधर जा रही है और उसका क्या हाल होगा। सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि यार हम सब अपने यूनिवर्सिटी में कम से कम एक बंदा या एक बंदी ऐसा जानते हैं जो बहुत बड़ा एथीस बनता रहता है हमेशा, कि यार मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, यार मैं पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, यार इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें इतनी बड़ी स्टोरी बनाने की क्या बात है। शाम ये लोग तो इतने कॉमन है जितने लड़कियों के इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे ठरकी कॉमेंट्स कॉमन है। लेकिन देखिए आई थिंक जो लोग हिंदुइज्म छोड़ते हैं या उसमें विश्वास नहीं करना चाहते हैं और जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं या इस्लाम की टीचिंग्स में विश्वास नहीं करना चाहते हैं, उनमें मेरे हिसाब से जमीन आसमान का अंतर है। देखिए हिंदू रिलीजन जो है वो एथीज्म को भी बड़े प्यार से अपनाता है। आप एथीस्ट बनकर भी खुशी खुशी हिंदू रह सकते हैं, हिंदुइज्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुइज्म एक ओपन सोर्स रिलीजन है इन दैट सेंस कि आप बहुत अलग अलग तरीके से हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हिंदू सोसाइटी का, हिंदू कल्चर का हिस्सा रह सकते हैं। इनफैक्ट ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में खुद गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाया जाता है। प्राचीन भारत में एक तरह के एथीज्म को भी एक हिंदुइज्म का एक्सेप्टेड पिलर माना जाता। एक एपिसोड है महाभारत में जहां पर युधिष्ठिर एक साधु से पूछते हैं कि हमारी जिंदगी खत्म होने के बाद क्या होता है। जो साधु है वो हमारे वेदों से कुछ ज्ञान देते हैं, लेकिन जिस क्राउड में युधिष्ठिर खड़े थे उस क्राउड से एक चारवाक चिल्लाता है कि भाई ये लाइफ ही बस लाइफ है, ना इसके पहले कुछ है ना इसके बाद कुछ आता है। महाभारत में उस चारवाक ने एक साधु को चैलेंज दिया, किसी ने उस चारवाक को अटैक नहीं किया, किसी ने उसको मारने की बात नहीं की, लोग उनके ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करते थे। इनफैक्ट आज के अगर हिंदूज के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक को देखा जाए, उनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जो एक हार्डकोर हिंदू नेशनलिस्ट थे। इन्होंने जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी देश को सौंपी थी, उस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करके, अपना कर और इस्तेमाल करके बीजेपी आज देश की सबसे सक्सेसफुल और बड़ी पार्टी बनी हुई है। तो हिंदू सोसाइटी में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बावजूद वीर सावरकर अपने आप को एक रैशनल एथियस्ट मानते थे। उनका तो यहाँ तक मानना था कि हिंदुओं को गाय की पूजा नहीं करनी चाहिए बल्कि भगवान नरसिम्हा की पूजा करनी चाहिए। हिंदुइज्म में नॉन बिलीवर्स को मारना नहीं सिखाया जाता है, इंटिमिडेट करना नहीं सिखाया जाता है, इसलिए एक्स हिंदू मूवमेंट जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट कंसिडर्ड अ बिग डील। लेकिन यही काम जो एक्स हिंदूज कर रहे हैं वो अगर मुस्लिम्स इस्लाम की तरफ करें तो जैसे हैरी पॉटर में नियरली हेडलेस निक था ना, उनको फुल्ली हेडलेस निक बना दिया जाएगा। इस्लाम छोड़ने की पनिशमेंट्स आप देखेंगे इस वीडियो में तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और इस्लाम छोड़ने की हैवी हैवी पनिशमेंट्स प्रॉफेट मोहम्मद के समय से आ रही है। कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जो प्रॉफेट मोहम्मद के इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद इस्लाम छोड़कर वापस अपने प्रीवियस कल्चर में चले गए। कुछ ज्यूज ने ऐसा किया था, कुछ बेदुइन ट्राइब्स ने ऐसा किया था, लेकिन उन लोगों को मुर्ताद यानी अपोस्टेट करार दिया गया और उनका खून कर दिया गया। As far as the death penalty is concerned, that only if that person, after converting, if he propagates his new faith and speaks against Islam, then the penalty of death is there. The Prophet alayhi salatu wasalam said, whoever changes his religion, then his prescribed punishment is to be executed. If you became a Muslim, you had to be serious, you had to be real. Otherwise, then you would be executed. So people were no longer allowed to play with the religion, create that confusion. In fact, अगर हम आज मॉडर्न समय की भी बात करें तो फ्रीडम ऑफ थॉट 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 13 देश हैं जो अपोस्टेसी के लिए ऑफिशियली डेथ पेनल्टी की सजा रखते हैं, और ये सारे देश इस्लामिक देश हैं। इन देशों में एक्स मुस्लिम बनने को आदि की तरह ट्रीट किया जाता है। ये ऐसे देश हैं जहां पे हाफिज सईद को एक प्योर मौलाना माना जाता है और एक्स मुस्लिम को आदि माना जाता है। ये तो वही बात हुई कि अनन्या पांडे अपने आप को स्ट्रगलिंग एक्टर डिक्लेयर कर रही हैं। So, you know, it isn't as easy as people say it. कुछ एग्जांपल्स देखिए, सूडान को देखिए। सूडान में जिसको भी अपोस्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है उसको कुछ समय दिया जाता है कि वो रिपेंट करे और वापस मुस्लिम बन जाए, लेकिन अगर वो रिपेंट नहीं करता तो उसको मार दिया जाएगा। सूडान में मोहम्मद ताहा, मोहम्मद अहमद जैसे प्रोमिनेंट एक्स मुस्लिम्स को मार दिया जाता है। नाइजीरिया को अगर देखें तो नाइजीरिया में 12 राज्यों में शरिया कानून माना जाता है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि एक्स मुस्लिम्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। बांग्लादेश में आप देख लीजिए कितने एक्स मुस्लिम ब्लॉगर्स को मारा गया है। अहमद राजीब को मार दिया गया था, सनी उर रहमान को मार
दिया गया था, प्रोफेसर सैफुल इस्लाम को मार दिया जाता है, नजीमुद्दीन समद को गोली से मार दिया जाता है। आप याद कीजिए कि मिड 2010s में एक एपिडेमिक था बांग्लादेश में कि रैशनलिस्ट और एथियस्ट ब्लॉगर्स को, राइटर्स को, जर्नलिस्ट को टारगेट कर करके मारा जा रहा था। इजिप्ट में भी इस तरह से एक्स मुस्लिम्स के ऊपर बहुत सारे डेडली अटैक्स हो चुके हैं। युगांडा में एक्स मुस्लिम्स को कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है और कितनों को मारा गया है। फिर बात करते हैं एशिया के आर्मपिट यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ऊपर से पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून भी है जो कहता है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लामिक रिलीजन के बारे में कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए जाएंगे तो उनको जेल हो सकती है और उनको मौत की सजा भी सुनाई दी जा सकती है। आप याद कीजिए कि मशाल खान नाम का एक स्टूडेंट था पाकिस्तान में जिसको ब्लास्फेमी के नाम पे, इस्लाम की तौहीन करने के नाम पे पब्लिकली लिंच कर दिया गया था। उसी तरह से एक हाल में ही श्रीलंका का इंजीनियर था जिसको पब्लिकली लिंच कर दिया गया था। इनफैक्ट ये देश ऐसा है कि कराची में पूरी मॉब्स घूम रही थी जो सैमसंग के बिलबोर्ड्स को जला रही थी क्योंकि अपेरेंटली सैमसंग के कुछ फोन्स में QR कोड था जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लिख दिया गया था। फिर एक और ऐसे ही सच्चे मुसलमान थे जो पेप्सी को धमका रहे थे और कह रहे थे कि पूरे देश में दंगे करेंगे क्योंकि एक 7-Up बोतल पे उनको प्रॉफिट मोहम्मद का नाम दिख गया था। कंपनी वाले को दरख्वास्त दे रहा हूँ कि आप अपील करता हूँ कि ये नहीं करे, ये मार्क हटा दे, आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा जंग होगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे। अभी हाल में ही एक मॉब ने एक औरत को मारने की धमकी दी थी क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जिसपे अरबिक में कुछ लिखा हुआ था और लोगों को लगा कि भाई इस्लाम के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है। गुस्ताखे नबी सुना था, गुस्ताखे QR कोड हम पाकिस्तान में ही मिलता है। इनफैक्ट पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम्स की इतनी बुरी हालत है कि जफर हेरेटिक, गालिब कमाल जैसे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा है। प्यू रिसर्च ने दिखाया है कि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर 80-85% उनकी पॉपुलेशन है जो अपोस्टेसी के लिए पेनल्टी डिमांड करती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में अपोस्टेट होने का क्या मतलब होता है। इसलिए इस्लाम छोड़ने में और हिंदुइज्म छोड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। और आप अभी शॉक हो जाएंगे जब आप जानेंगे कि दुनिया में एक्स मुस्लिम्स को कितनी मुसीबतों का, कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट एक्स मुस्लिम यूट्यूबर था। वो जब अपनी माँ को बताता है कि वो एक्स मुस्लिम बन चुका है तो देखिए उसके साथ क्या होता है। अपने पार्ट की तरफ जा रहा था तो आगे से जो है वो गन्ने चुप के बैठे हुए थे, 3-4 आदमी थे, उठा लिया। उठाने के बाद मेरी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, मुझे नहीं पता कहाँ ले गए, किस जगह पर ले गए, और टॉर्चर करना शुरू कर दिया, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए कि तुमने दिखाए थे कि मेरी बॉडी को किस तरह से जो है उन्होंने सिगरेट बड्स के साथ टॉर्चर किया, कट्स लगाए ब्लेड के साथ, फिर कट्स लगाने के बाद उनके ऊपर जो है वो सॉल्ट फेंकते थे। 3 दिन कहते थे कि 3 दिन आएंगे होंगे तुम्हारे पास, 3 दिन में तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने कहा कावड़ वाली मौत तो मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरे ये सवाल है इनके जवाब। करते रहे 2-3 घंटे टॉर्चर करने के बाद जब इनको तसल्ली नहीं हुई एंड 3 थे 4 थे या 5 थे उन सब ने मिलकर जो है वो गैंग रेप किया मेरा। इंजर्ड था, जख्मी था, ब्लीडिंग सारी जिस्म से हो रही थी, जला हुआ था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी माँ मुझे इस हालत में देखे। दोस्त के पास गया और वहाँ पर उसकी बहन थी या कज़न थी, उसने मुझे स्टिचअप किया, उससे थोड़े से पैसे लिए। मैंने मुझे बताया कि ये सारा करवाने वाली जो है वो मेरी अपनी माँ थी। आप देखिए कि भारत जैसा देश जहाँ पर हिंदूज मेजोरिटी में है, जहाँ पर आप होप कर रहे होंगे जो इस्लाम छोड़ना चाहते हैं या जो हिंदुओं की तरह अपने रिलीजन से सवाल पूछना चाहते हैं उनको थोड़ी ज्यादा सेफ्टी होगी, वो भी बेचारे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ऐसे एक्स मुस्लिम्स हैं जो सुबह जाकर मस्जिदों में अजान पढ़ते हैं और शाम में मदरसों में बच्चों को तालीम भी पढ़ाते हैं। इसी टॉपिक पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी थी, इस्लाम्स नॉन बिलीवर्स बाय दिया खान, जिसमें एक्स मुस्लिम्स के एक्सपीरियंसेस को बताया गया था। They themselves face a lot of harassment for publicly taking on this cause and speaking very openly about this. इस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे एक्स मुस्लिम्स को दो अलग अलग लाइफ जीनी पड़ती हैं, एक छुपकर एक्स मुस्लिम बनने की और पब्लिकली believing Muslim बनने की। Class, you know, it was just that inferiority complex that you have. There was nothing to celebrate about who you were, especially in an environment where everyone else is white. You want to fit. इतनी पाबंदी और मुश्किलों के बावजूद, लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे भारत में एक्स मुस्लिम्स के ट्रेंड के शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स के बारे में सुनकर। आप देखिए कि अकेले राजस्थान में हाल में ही 655 मदरसे बंद हो चुके हैं इनसफिशिएंट स्टूडेंट्स के चलते। यूपी में भी मदरसे स्टूडेंट्स का ड्रॉप आया है। खैर अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो भारत में कुल 20 करोड़ की मुस्लिम पॉपुलेशन मानी जाती है। 2021 में प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक भारत में
6% मुस्लिम्स ने इस्लाम छोड़ दिया है, यानी अराउंड 1.2 to 1.5 करोड़ मुस्लिम्स ने इस्लाम छोड़ दिया है। इस सर्वे में यह भी दिखाया गया है कि 12% जो मुस्लिम्स हैं उन्हें अपने रिलीजन पर डाउट हो गया है और पॉसिबल है कि वो भी आने वाले समय में इस्लाम छोड़ सकते हैं। यानी टोटल पोटेंशियली 3 करोड़ ऐसे मुस्लिम्स हो सकते हैं जो फ्यूचर में एक्स मुस्लिम्स बन जाएं। अब ये अपने आप में एक काफी बड़ा नंबर है, लेकिन कुछ एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट के मुताबिक तो दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। केरला के एक्स मुस्लिम ईए जब्बार कहते हैं कि इंटरनेट की वजह से एक्स मुस्लिम कम्युनिटी को पूरे भारत की मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत विजिबिलिटी मिल रही है। ईरानियन एक्स मुस्लिम मरियम नमाजी ने एक बार कहा था कि द इंटरनेट इज डूइंग टू इस्लाम व्हाट द प्रिंटिंग प्रेस डिड टू क्रिश्चियनिटी। ये जब्बार का मानना है कि इन द केस ऑफ केरला 4-5% मुस्लिम कम्युनिटी ने इस्लाम छोड़ दिया है। आप इमेजिन कीजिए कि केरला में जहां की इस्लामिक कम्युनिटी को बहुत कट्टर माना जाता है, बहुत रेडिकल माना जाता है, वहां भी अगर 5% मुस्लिम्स ने इस्लाम छोड़ दिया है तो वो एक काफी शॉकिंग स्टैटिस्टिक है। इनफैक्ट इंडिया में भी प्रोमिनेंट ऑनलाइन एक्स मुस्लिम्स का एक ट्रेंड बन रहा है। महेंद्रपाल आर्या जो कि वन ऑफ द पहले प्रोमिनेंट एक्स मुस्लिम्स थे इंडिया के, जो पहले बरवाला के बारी मस्जिद के इमाम हुआ करते थे, जिन्होंने इस्लाम छोड़ने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया था। आज आप देखिए कालीदास जो कि पहले सारा खान हुआ करती थी, एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक, आजाद ग्राउंड, एक्स मुस्लिम आदि इंडिया के प्रोमिनेंट एक्स मुस्लिम्स बन चुके हैं। इन्होंने यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम कम्युनिटी को आवाज दी, उसके बाद ये कम्युनिटी और तेजी से बढ़ी। जैसे एक्स मुस्लिम समीर, फैज आलम अपोस्टेट इमाम, एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई एके अदनान जो कि अपनी मुंबई की टपोरी स्टाइल लैंग्वेज में अपने रिलीजन से सवाल उठाते हैं, और प्रोमिनेंट एग्जांपल्स भी आपको याद होंगे कि शिया वक्फ बोर्ड के हेड हुआ करते थे वसीम रिजवी, जो शुद्धि सेरेमनी करके जितेंद्र त्यागी बन गए थे। केरला के भी एक बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अनाउंस किया था कि वो इस्लाम छोड़ रहे हैं भारत के मुस्लिम्स की इस्लामिस्ट एटीट्यूड से परेशान होकर। इनफैक्ट ये जो प्रोमिनेंट एक्स मुस्लिम्स हैं इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कट्टर मुस्लिम हुआ करते थे और इन एक्स मुस्लिम से डिबेट करने के लिए सोशल मीडिया पर आया करते थे, और इन एक्स मुस्लिम्स के साथ डिबेट करते करते इन्होंने अपने खुद के रिलीजन से सवाल पूछना शुरू कर दिया और फिर खुद एक्स मुस्लिम्स बन गए। लेकिन इतनी प्रोमिनेंस के बावजूद, इतने सारे फॉलोअर्स होने के बावजूद इनकी जान को खतरा है। इनके खिलाफ मौलाना रोज फतवा देते हैं, टीवी डिबेट पर इनको खुलेआम धमकी दी जाती है। क्या बात करना चाह रहा तू? हदीसों में लंग में रह के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा आपको, हदीसों पे ऐतराज कर रहे हैं। सरकार ने बदिया पे आया, गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्दा जा तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक कह रहे। मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्दा जा तू, चुप, बात कर रहा हूँ। सरकार बदिया पे आ जाएगी। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी, चुप, कुछ ना बोल सकता तू। इनकी लाइव स्ट्रीम्स पर ओपनली धमकी दी जाती है। बताइए, लाइव स्ट्रीम पर आईसीएस के ऑडिशंस हो रहे हैं। और इंडिया की एक्स मुस्लिम मूवमेंट में एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है जिसके बारे में मैं आपको आज बताता हूं। अकॉर्डिंग टू ईए जब्बार जो कि केरला के एक बड़े एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, इंडिया की एक्स मुस्लिम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है औरतें। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सरप्राइजिंग नंबर ऑफ वुमेन एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ज्वाइन कर रही हैं। इनफैक्ट ये नई लड़कियां और औरतें जो इतनी तेजी से इस्लाम छोड़ रही हैं, ये भारत के मौलानाओं का बहुत बड़ा सरदर्द बन गई हैं। और शायद अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको जानकर भी आपको होगा कि इंडिया के बाहर भी ये एक ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। It is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community. अमेरिका को देखिए, 2018 में प्यू रिसर्च पब्लिश हुआ था जिसके मुताबिक अमेरिका में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें से 23% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। ईरान में 2020 में एक GAMAAN सर्वे किया गया था जिसके मुताबिक ईरान में 20% मुस्लिम पॉपुलेशन ने इस्लाम को किसी न किसी फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया है। अगर अरब वर्ल्ड को देखा जाए तो एक सर्वे निकाला गया था जिसे अरब बैरोमीटर बोला जाता था, उसके मुताबिक 2012 में अरब वर्ल्ड में एथीस पॉपुलेशन 8% थी, जो 18 में 6 सालों में 61% की ग्रोथ करके 13% हो गई है। अगर इस्लाम के बर्थ प्लेस सऊदी अरेबिया की बात करें तो 2012 में एक विन गैलप पोल हुआ था जिसके मुताबिक 5% सऊदी अरब यानी 10 लाख लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान जैसे देश में भी जहां इस्लामिज्म की इतनी कट्टर जकड़ है पॉपुलेशन के ऊपर, वहां पर भी एक रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 4 लाख लोग हैं जो ओपनली इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। ये रिपोर्ट देखकर तो पाकिस्तान में मौलानाओं के आंसू निकल आए। साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है, आपके कौमी परचम के साथ जो कुछ हो रहा है, अलियाज बिल्ला, अब हम क्या क्या रोना रोए। प्राइवेट पार्ट पर ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد الرسول اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے یہ دن دیکھنے سے پہلے راجو تلوار مر کیوں نہیں جاتا ہے کچھ مولانا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکس مسلمز کی پاپولیشن 10 لاکھ تک ہو چکی ہے ایک جو کیلکولیشن کی گئی ہے اس کے مطابق 10 لاکھ ہے جناب علی اس کے اندر جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں یہ 10 لاکھ ہمارے پاکستان کے نوجوان ہیں بالخصوص ترکی میں بھی ایسا ہی ٹرینڈ دیکھنے کو ہمیں ملا ہے جہاں پر 2020 میں ایک گیزیچی ریسرچ سینٹر دوارا سروے کیا گیا تھا جس میں پایا گیا کہ 28% پاپولیشن ترکی کی اسلام پر ڈاؤٹ کرنے لگی ہے پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق ترکی کی 40% پاپولیشن یہ مانتی ہے کہ سائنس اور اسلام میں فنڈامنٹل کانٹرڈکشنز ہیں اور عرب بیرومیٹر کی اسٹڈی کو اگر ہم وشواس کریں تو جنرل ٹرینڈ یہ ہے کہ اور بھی لوگ اسلام پر ڈاؤٹ کرنا شروع کرنے لگیں گے عرب ورلڈ میں صرف یمن اکلوتا دیش ہے جہاں سمے کے ساتھ وہ دیش زیادہ اسلامسٹ بن رہا ہے اور اب آتے ہیں اور ان انٹرسٹنگ ریزنز کو ڈسکس کرنے کے لیے جن ریزنز کی وجہ سے لوگ ایکچولی اسلام کو چھوڑ رہے ہیں پہلا ہے آئیڈیولوجیکل یا ریلیجیس ریزن وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شریعہ میں اور ہیومن رائٹس میں کانٹرڈکشنز ہیں انہیں لگتا ہے کہ عورتوں کا جو سٹیٹس ہے اسلام میں وہ انہیں پسند نہیں انہیں لگتا ہے کہ قرآن کے کچھ ورسز ہیں جو ان سائنٹیفک ہیں یا وائلنٹ ہیں انہیں لگتا ہے کہ اسلام کے نیچر کی وجہ سے اسلام میں ریفارم یا چینج یا رینیسانس امپاسبل ہے انہیں لگتا ہے کہ اسلام یونیورسل ریلیجن نہیں ہے بلکہ عرب سینٹرل ریلیجن ہے وہ عرب کلچر اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے سوشل ریزنز بھی ہیں کہ ان کے اوپر مسلمز نے کچھ زیادتیاں کی ہوں ان کی سوسائٹیز بیکورڈ ہیں ہیومن رائٹس پر فوکس نہیں کرتی ہیں کنٹریز جو اسلامک پرنسپلز پر بنائی گئی ہیں وہ کولیپس کی کگار پر ہیں پاکستان کو ہی دیکھ لیں یہ دیش جو اپنے آپ کو ہندوؤں سے اتنا آگے ہندوؤں سے اتنا زیادہ ایڈوانسڈ اور بہتر مانتا تھا آج یہی دیش انٹرنیشنل بھکاری کے نام سے جانا جاتا ہے ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ ادھر دیکھتے ہیں قرضہ پیچھے دیکھتے ہیں قرضہ آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے پاس ہاردک پانڈے اور پاکستان میں آج کمپٹیشن چل رہا ہے کہ 2024 کے سال میں زیادہ ذلیل کون ہو سکتا ہے ایک ورلڈ بینک رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق 49 اسلامک کنٹریز ہیں دیش میں جس میں سے صرف 4 کنٹریز ایسی ہیں جن کی اکانومی اچھا پرفارم کر رہی ہے اور 8 ایسی کنٹریز ہیں جن کی اکانومی اوکے پرفارم کر رہی ہے باقی سارے دیش کی اکانومی بہت ڈیفیکلٹ پوزیشنز میں ہیں یونیسکو اور ورلڈ بینک کے رپورٹ کے مطابق کئی ایسی اسلامک کنٹریز ہیں جو باقی کنٹری کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا اماؤنٹ سائنٹیفک ریسرچ پر خرچ کرتی ہیں اسلامک کنٹریز میں 1000 کی پاپولیشن پر 10 سے بھی کم سائنٹسٹ انجینئرز اور ٹیکنیشنز موجود ہیں جبکہ ورلڈ ایوریج ہے 40 ڈیولپ کنٹریز میں یہ ایوریج ہے 140 انفیکٹ جو اسلامک دیش اچھا پرفارم کر بھی رہے ہیں ان کی ساری پرفارمنس آئل ویلتھ پر بیسڈ ہے اور آج ویسے دیش ہے جیسے سعودی عربیہ یو اے ای ان دیشوں کو بھی اب اپنے کلچر کو اپنے ریلیجن کو ریفارم اور ماڈیفائی کرنا پڑ رہا ہے تاکہ وہ آگے بھی اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو مینٹین کر کے رکھ سکے اور ایک تھوڑا اور سیکولر تھوڑا اور پلورلسٹ اپروچ اپنی سوسائٹیز کے لیے اڈاپٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کا ایک بڑا کارن ہے سعودی اور یو اے ای کے جو ویژنری لیڈرز ہیں محمد بن سلمان اور محمد بن زائد انہوں نے کئی سٹیپس لیے ہیں ریڈیکل اسلام کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے اذا نجحنا في الخمسات القادمه سوف تلتحق فينا دول اكثر وسوف تكون النهضه القادمه في العالم في 30 سنه القادمه انا اعتقد ان اوروبا الجديده هي الشرق الاوسط کوئی لوگوں نے اسلام کے ہوموفوبیا کو بھی سائٹ کیا ہے کہ وہ کیوں اسلام چھوڑتے ہیں ایک اور ریزن جو لوگ دیتے ہیں کہ کیوں وہ اسلام کو چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ان کا کلچر ان کا ریلیجن صرف ملاز کے کنٹرول میں ہے دیکھیں ہندوئزم کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈیسینٹرلائزڈ ریلیجن ہے کچھ اسلامک سوسائٹیز میں ان کی پورا کا پورا جو ریلیجن ہے وہ ایک ملا ایلیٹ کے کنٹرول میں ہے اور وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ اسلام کس طرح سے آگے بڑھے گا تو پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 25% لوگ اسلام کی نان سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کی وجہ سے اسلام چھوڑتے ہیں 19% اسلام کے ٹیچنگز کی وجہ سے چھوڑتے ہیں 16% خود کی سیکولر تھنکنگ ہونے کی وجہ سے چھوڑتے ہیں اور 14% پرسنل گروتھ کے کارن چھوڑتے ہیں اور آپ شاید وشواس نہیں کریں گے کہ ایکس مسلمز کی رائز کا کافی سرپرائزنگ امپیکٹ بھی ہو رہا ہے دنیا پر بھلے ہی ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی امیڈیٹ پبلک چینجز نہیں دکھ رہے ہوں لیکن گریجول سلو اینڈ سٹڈی چینجز بہت کلیئرلی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ میں نے کہا سعودی اور یو اے ای جیسے بڑے اسلامک کنٹریز جو ہیں جنہیں اسلامک کنٹریز کا لیڈر مانا جاتا ہے ایک طرح سے
वो किस तरह से रिफॉर्म कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में मस्जिदों में जोर जोर से अजान बजाने को रोका गया है, वहां उनके मदीना जैसे पावन शहरों में योगा कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिसमें 90% पार्टिसिपेंट्स महिलाएं हैं। दुबई की सड़कों पर नमाज पढ़ने को बैन कर दिया गया है। यूएई जैसे देशों में अल्कोहल पर हार्डली ही कोई पाबंदी है। तो आप देखिए कि इस्लामिक वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो इतना डेवलप कर रहे हैं जबकि इनकी जो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में नाजायज औलादें हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, इनको सड़क पर ही नमाज पढ़ना है। अर्तुगुल के कास्ट से गाली जरूर खाएंगे लेकिन साले सबक नहीं सीखेंगे। उसी तरह आप देखिए कि ईरान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे इस्लामिक देशों ने तबलीगी जमात पर बैन लगाया है। ईरान में एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जहां पर ईरान की औरतें मास बॉयकॉट कर रही हैं हिजाब को। कई इस्लामिक देशों में भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में बुर्का और हिजाब पर बैन लगाया जा रहा है। इनफैक्ट तजिकिस्तान जैसे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में तो बुर्का पहनने पर अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि कन्वर्जन की वजह से, हाई बर्थ रेट्स की वजह से आज भी इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है और प्यू स्टडीज के हिसाब से जल्द ही वो दुनिया का नंबर वन फॉलोड रिलीजन बनने वाला है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। यूरोप में मुस्लिम पॉपुलेशन 2050 में आज 5% से बढ़ के 10% तक हो जाने वाली है, यानी डबल होने वाली है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोई इस्लाम खत्म होने वाला है, और शाम शर्मा शो ये कह भी नहीं रहा है कि हम इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं या सब मुसलमानों से इस्लाम छुड़वाना चाहते हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि जो एक्स मुस्लिम्स ओपनली अपने रिलीजन से सवाल पूछना चाहते हैं या अपने रिलीजन को फ्रीली छोड़ना चाहते हैं उनको पूरा अधिकार होना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब हिंदू अपने रिलीजन से सवाल उठाना चाहते हैं या अपना रिलीजन छोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक और रिजल्ट एक्स मुस्लिम मूवमेंट का ये हो, बाकी दुनिया के इस्लाम का मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडियन इस्लाम जो है उसमें चेंज आए, रिफॉर्म आए, इंडियन इस्लाम इंडियनाइज हो जाए, भारतीय धर्म को इनकॉर्पोरेट करके एक प्लूरलिस्टिक, इंक्लूसिव, डाइवर्स हिंदुइज्म के लिए और बाकी इंडियन रिलीजन्स के लिए जेन्युइन म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप करें। मैं मानता हूं कि इंडिया के मुसलमानों को औरंगजेब को अपने आइडियल की तरह नहीं देखना चाहिए जो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन और रिलीजियस होलोकॉस्ट में विश्वास रखता था, बल्कि दारा शिकोह को अपने सोसाइटी के लीडर की तरह देखना चाहिए जो कि एक इंक्लूसिव प्लूरलिस्ट मुस्लिम था जो सभी रिलीजन को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। दारा शिकोह ने उपनिषद को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। दारा शिकोह सिख गुरु हरि राय के एक बहुत क्लोज दोस्त भी थे और सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी दोनों दारा शिकोह को बहुत रिस्पेक्ट करती थी और दारा शिकोह भी सिख और हिंदू फिलॉसफी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने वेदांत की टीचिंग्स को और सूफिज्म की टीचिंग्स को मर्ज करने की कोशिश की थी। उस किताब का नाम था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज। चलिए दारा शिकोह तो आज हमारे साथ नहीं रहे लेकिन दारा शिकोह से इंस्पायर्ड मुस्लिम या दारा शिकोह की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले मुस्लिम्स आज भी भारत में हैं, जैसे मुस्लिम रिफॉर्मर हामिद दलवई, साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जो गीता को भी रिस्पेक्ट करते थे और कुरान को भी रिस्पेक्ट करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद जिन्होंने एक बहुत की रोल प्ले किया था राम मंदिर एक्सकवेशन में और उनकी रिसर्च की वजह से हिंदू साइड ने कोर्ट में राम मंदिर का केस भी जीता था, आरिफ मोहम्मद खान जिन्होंने शाह बानो और मुस्लिम औरतों को सपोर्ट किया था इंस्टेड ऑफ द मुस्लिम पेट्रियार्की जब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पेट्रियार्की को सपोर्ट कर रही थी और शाह बानो को सपोर्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी थी। ये भारत के कल्चर को अपना कल्चर मानते हैं। जावेद अख्तर भी, जिनसे मैं ऑफ्टन अग्री नहीं करता, लेकिन वो भी भारत के कल्चर को, भारत के हिंदू कल्चर को उतना ही अपना कल्चर मानते हैं जितना मुसलमान कल्चर को अपना कल्चर मानते हैं। हम चाहते हैं भारत के मुस्लिम्स इंडियनाइज हो, भारत का इस्लाम इंडियनाइज हो, वो इंडिया को अपनी पुण्य भूमि की तरह देखे, अपनी मातृभूमि की तरह देखे, अपनी पितृभूमि की तरह देखे कि उनके एंसेस्टर्स कहीं बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के हैं, यहीं के लोगों को कन्वर्ट किया गया है, पहले हिंदू ही हुआ करते थे। ये रियलाइजेशन, ये एक्सेप्टेंस अगर इंडियन मुस्लिम्स में आएगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन मुस्लिम्स में हिंदूस के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी और यही म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम देश के लिए भी चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इंडिया में एक्स मुस्लिम्स के स्टैटिस्टिक्स के बारे में अवेयर थे? आप क्या चाहते हैं कि इंडिया की एक्स मुस्लिम मूवमेंट का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं और नेक्स्ट एपिसोड तक मिलने के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।